बढ़ारा कोठी के मौजमपट्टी में सरस्वती पूजा के दरमियान बाहुबली बुचन यादव पर बम एवं गोलियों से हमला किए जाने वाले मामले में धमधा के पूर्व विधायक दिलीप यादव समेत 13 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी बुचन यादव के बड़े पुत्र सौरभ साहिल के नाम पर दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की विशेष जांच में जुट गई है। इस मामले पर पूर्णिया एसपी एवं पूर्णिया डीआईजी समेत तमाम वरीय अधिकारियों की नजरें टिकी हुई है। पुलिस को दिए गए आवेदन में साहिल सौरभ ने पहला आरोपी पूर्व विधायक दिलीप यादव को ही बनाया है। आवेदन के मुताबिक दिलीप यादव, भूषण यादव, अखिलेश यादव, मिथिलेश यादव, गणेश्वर यादव, विभीषण यादव, अभिषण यादव, रामजी यादव, कुंदन यादव, गौरीशंकर यादव, ओजस्वी यादव, नित्यानंद यादव एवं कौशल यादव को अभियुक्त बनाया गया है। मामले में कहा गया है कि भूषण यादव पर बम एवं गोलियों की बारिश इन्हीं लोगों ने की है, जिसमें भूषण यादव का दायां पैर उड़ गया और उनके 5 साथी भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इस संदर्भ में धमधा डीएसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई है। आज एफएसएल की टीम भी आई और उनके द्वारा एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है। मामला आपसी रंजिश के कारण यह मामला किया गया है, एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है और इन जांच से भी पता चलेगा कि घटना में किस तरह का बम यूज हुआ। इधर धमधा के पूर्व विधायक दिलीप यादव ने अपने को निर्दोष बताते हुए कहा कि भूषण यादव से उनका किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है और ना ही 10 वर्षों से वे उनके क्षेत्र में गए हैं और जांच का विषय है और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण अगर कोई मतलब मेरा नाम घसीट रहा है। दिलीप यादव ने कहा कि भूषण यादव का आपराधिक छवि रहा है और उस पर अपहरण एवं हत्या के कई मामले दर्ज हैं और वैसे लोगों से उनका किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है और उन्हें बेवजह फंसाने की राजनीतिक साजिश की जा रही है। देखिए, ये तो जांच का विषय है और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण अगर कोई मतलब मेरा नाम घसीट रहा है तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब से परिसीमन हुआ तो मेरा तो उधर का मतलब जाना ही बंद है। हम तो उधर गए भी नहीं 8-10 वर्षों से। तो इन परिस्थितियों में अगर कोई हमारा नाम दे रहा है तो जांच का विषय है, पुलिस अपना जांच करी। अगर हम दोषी होंगे तो मतलब जो सजा मिलेगा हम उसको ही करेंगे। भूषण जी का सवाल है तो उनको तो सजाए हफ्ता हैं, कई ठो गांव के लोगों की इंजीनियर की हत्या हुआ था जिसमें उनको सजा भी है, तब ऐसे लोगों से हम लोगों का क्या तालमेल है। अच्छा, क्या लगता है कोई तीसरा पक्ष है जो इसका एकदम चूंकि अभी एमपी का सामने चुनाव था, हमारी भी चर्चा चल रही है और जो प्रतिद्वंदता के कारण लोग हमारा मतलब इसमें घसीटने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे कौन है आपका प्रतिद्वंदी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी? नहीं, बहुत लोग हैं इसमें, बहुत सारे नाम हैं, अब कोई एक आदमी थोड़ी है, बहुत लोगों को प्रतिद्वंदता रहती है। मेरी पुलिस से और यहाँ के आरक्षी अधीक्षक से मेरी मांग होगी कि अगर इसको सही तरीके से इनकी जाँच करे और जांच में जो लोग दोषी आते हैं ऐसे लोगों को भी सजा करें और जो लोग इस तरह का जो घटना हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और लोगों की मानसिकता जो निर्दोष लोगों की जो फंसाने की मानसिकता है ऐसे लोगों से भी कार्रवाई होनी चाहिए। इधर राजद के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव नवीन यादव ने बयान जारी कर कहा है कि दिलीप यादव महागठबंधन से पूर्णिया में सांसद पद के लिए प्रबल उम्मीदवार हैं और उनकी लोकप्रियता से घबराकर विरोधी लोग षड्यंत्र कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। नवीन यादव ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और निर्दोष लोगों को फंसाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल भूषण यादव का दायां पैर डॉक्टर ने उपचार के दरमियान काट दिया है और उनका उपचार पूर्णिया के सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है और वहीं अन्य साथियों का भी उपचार किया जा रहा है। किंतु इस घटना को लेकर पूर्णिया में राजनीतिक सरगर्मी काफी गर्म है और लोगों की नजरें अब पुलिस की कार्रवाई की ओर टिकी हुई है।